सो गाइस, मुझे पता है कि आप में से कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि वीडियो एडिटिंग के लिए काइन मास्टर का यूज करते हैं, पर पिछले कुछ महीनों से काइन मास्टर जो है बहुत ज्यादा लैग कर रहा है या फिर वर्क ही नहीं कर रहा है। और अगर से आप काइन मास्टर का मोड एपीके यूज करते हो तो चांसेस आर हाई कि ये प्रॉब्लम आपके साथ बहुत ही ज्यादा होती हो। पर प्ले स्टोर पे इतने सारे एडिटिंग ऐप है जिससे हमारा जानना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा ऐप हमारे लिए बेस्ट रहेगा, कौन सा ऐप प्रोफेशनल भी रहेगा और इजी टू यूज भी रहेगा। इसलिए आज मैंने आपके लिए 6 ऐसे एप्लीकेशन लाए हो जो कि लैग नहीं करेंगे, इजी टू यूज रहेंगे और प्रोफेशनल भी रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, ये वीडियो कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, इसलिए मैं इन एप्लीकेशन के बारे में एकदम रियल एंड जेन्युइन चीजें बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर से देख। तो चलिए अभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं नंबर 6 से। तो नंबर 6 पे जो एप्लीकेशन आता है वो है पावर डायरेक्टर, जो कि सेम टू सेम काइन मास्टर की तरह ही है। अभी काइन मास्टर में जितने फीचर्स है वो सारे के सारे फीचर्स आपको इसमें भी मिल जाएंगे। अभी मैं इस ऐप को एकदम ज्यादा प्रोफेशनल तो नहीं कहने वाला हूं, पर ये काइन मास्टर की तरह है। ये इतना ज्यादा प्रोफेशनल भी नहीं और इतना ज्यादा कम प्रोफेशनल भी नहीं, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा ऐप है और इजी टू यूज है। अभी ये ऐप उन लोगों के लिए है जिनको एडिटिंग बहुत ज्यादा हार्ड लगती है या फिर एडिटिंग उनसे हो नहीं पाती है, क्योंकि ऐप जो है बहुत ही ज्यादा इजी है। और अगर आपको इस ऐप के बारे में और कुछ जानना है तो आप वीडियो को स्टॉप करके सबको भी रीड कर सकते हो, आपको अच्छे समझ जाए कि इस ऐप में है क्या। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि काइन मास्टर एकदम सिमिलर है। अब इसके बाद में फिफ्थ नंबर जो ऐप आता है वो है फिल्मोरा। अभी फिल्मोरा के मैं सॉफ्टवेयर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फिल्मोरा के ऐप के बारे में बात कर रहा हूँ। वैसे ये ऐप इसके सॉफ्टवेयर के वर्जन से काफी ज्यादा सिमिलर है, क्योंकि दोनों में ज्यादा कुछ अंतर है नहीं। अगर से आप फिल्मोरा में एडिटिंग करते हो तो लोगों को ऐसा लगेगा कि आपने कोई पीसी में या फिर कंप्यूटर में एडिटिंग की है। ये ऐप बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल है, क्योंकि इसमें आपको हर एक फीचर मिल जाता है जो कि एक सॉफ्टवेयर में होता है और ऐप में होना चाहिए। और इसकी एक बात मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी कि ये ऐप इतना ज्यादा एडवांस है, इतना ज्यादा प्रोफेशनल है, फिर भी इसे कोई भी बंदा यूज कर सकता है। इतना ज्यादा हार्ड नहीं है, इतना ज्यादा इजी भी नहीं है, पर मैं ऐसा कहूंगा कि एक मीडियम ऐप है। अगर आप इसे एक महीने या फिर दो महीने यूज करते हो तो आप इसे आराम से सीख जाओगे। और जब मैं इस ऐप के बारे में देख रहा था तो मुझे मालूम पड़ा कि इसकी प्ले स्टोर की जो रेटिंग है वो है 4.7 स्टार की, जो कि बहुत ही ज्यादा हाई है। अगर मैं आपको कंपेयर कराऊं तो काइन मास्टर की रेटिंग खुद 4.3 स्टार है और इसकी 4.7 स्टार। इसका मतलब ये है कि ये ऐप लोगों को काइन मास्टर से भी ज्यादा पसंद आ रहा है। पर इसका मैं आपको एक नेगेटिव पॉइंट भी बताना चाहूंगा कि ये ऐप थोड़ा ज्यादा स्लो है। अगर मैं आपको एग्जांपल देकर समझाऊं तो अगर आप काइन मास्टर में 2 घंटे में एडिटिंग कंप्लीट कर देते हो तो आपको यहां पर 2.5 घंटे लगने वाले हैं, बाकी सब इसका बिल्कुल सही है। और इसके बाद में नंबर 4 पे जो ऐप आता है वो है वीट ऐप, जिसका नाम आपने कहीं ना कहीं सुने होंगे, जो कि काफी ज्यादा फेमस रेटिंग ऐप है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको जो इफेक्ट्स है ना वो काइन मास्टर से भी ज्यादा मिलते हैं और काइन मास्टर से भी बेस्ट मिलते हैं। और इसकी एक और अच्छी बात यह है कि ऐप जल्दी लैग नहीं होगा। यूजुअली होता है क्या है, साइड में एक वाटर मार्क आ जाता है जिसको छुपाने के लिए कई सारे लोग मोड एपीके का यूज करते हैं, पर इस ऐप को यूज करने के लिए आपको मोड एपीके का यूज करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको ऑलरेडी ऑप्शन मिल जाता है जिस पे क्लिक करके आप इसके वाटर मार्क को रिमूव कर सकते हो। और वीट ऐप यूज करने में काफी ज्यादा इजी है, और सबसे अच्छी बात ये फ्री टू यूज ऐप है, इसमें आपको अंदर कोई भी कॉस्ट नहीं लगने वाला। और वीट ऐप के बारे में एक और बात यह है कि ऐप में आप शॉर्ट वीडियो अगर बनाते हो ना तो बहुत ही ज्यादा परफेक्ट बनने वाले, क्योंकि इसमें शॉर्ट्स के लिए और ज्यादा फ्यूचर्स है। और अगर से आपको वीट एप्लीकेशन के बारे में और कुछ जानना है तो आप वीडियो को स्टॉप करके इसको भी रीड कर सकते हो। इसके बाद हम बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ। तो गाइस, थर्ड नंबर पे जो ऐप आता है वो है इनशॉट। असल में मेरा फ्रेंड इनशॉट काफी समय से यूज कर रहा है। पहले के टाइम पे वो काइन मास्टर का यूज करा करता था, लेकिन उसका काइन मास्टर बहुत ज्यादा लैग करता था और उसके मोबाइल में अच्छे से चल नहीं पाता था। फिर बाद में वो इनशॉट पे शिफ्ट हो गया और उसने मुझे कहा कि जब काइन मास्टर उसका बहुत ज्यादा लैग होने लगा तो उसने काफी सारे ऐप्स देखा पर उसे कोई अच्छा ऐप नहीं मिला। फिर आखिर में जाकर उसने इनशॉट को ही चूज किया, जो कि बहुत ही अच्छा डिसीजन रहा उसके लिए, क्योंकि अभी के टाइम पे वो इनशॉट से काफी बढ़िया एडिटिंग कर लेता है। और इनशॉट की एक अच्छी बात यह है कि आप जैसे जैसे इसको टाइम देते रहोगे, इसमें एडिटिंग करते रहोगे, तो आप दिन ब दिन और इसमें सीखते रहोगे, आपकी एडिटिंग जो है वो प्रोफेशनल होती रहेगी दिन ब दिन। क्योंकि स्टार्टिंग में तो आप एकदम नॉर्मल सी एडिटिंग करोगे, पर समय के साथ साथ आपको कई सारे ऐसे फीचर्स दिखेंगे जो कि आपको काइन मास्टर में शायद नहीं मिल सकता। और मैं काइन मास्टर को इतना कुछ बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है काइन मास्टर बहुत ज्यादा बेकार ऐप है। मैं खुद काइन मास्टर का पिछले 1 साल से यूज कर रहा हूँ, जो कि बहुत ही बढ़िया ऐप है। इसमें काइन मास्टर मेरा बहुत ज्यादा लैग कर रहा था, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया था, पर अब वापस से मैंने काइन मास्टर में एडिटिंग करना स्टार्ट कर दिया। वैसे तो काइन मास्टर की बहुत ही बढ़िया एडिटिंग है, बस 2 चीजें ऐसे जो कि काइन मास्टर को खराब कर देती है। सबसे पहली चीज की काइन मास्टर बहुत ही ज्यादा लैग करता है, इतना ज्यादा लैग कि मैं आपको बता नहीं सकता। और दूसरी चीज ये कि काइन मास्टर के सारे फीचर इतने प्रोफेशनल नहीं है जैसे कि फिल्मोरा या फिर कोई और है। काइन मास्टर उसके लैग होने को थोड़ा कम करना चाहिए और उसके जो फीचर्स है उसमें थोड़े और फीचर्स ऐड करना चाहिए, जैसे कि एनिमेशन हो गया या फिर इफेक्ट्स हो गए। खैर, सेकंड नंबर जो एप्लीकेशन आता है वो है वीएन एडिटर। वैसे मैं वीएन के बारे में ज्यादा कुछ बोलना चाहता नहीं हूं, क्योंकि इसकी एडिटिंग और वीट ऐप की एडिटिंग सेम टू सेम है, बस 19:20 का फर्क है। जैसे कि दोनों भी फ्री ऐप्स हैं, दोनों की एडिटिंग करने का तरीका सेम है, फीचर्स सेम है, एनिमेशन सेम है, और यहां तक कि क्वालिटी भी लगभग सेम ही है। पर यहां पर एक चीज है जो कि वीएन को वीटा से बेहतर बनाती है, जो कि है प्ले स्टोर की रेटिंग। प्ले स्टोर पे वीएन को रेटिंग मिली है 4.4 की, पर वीटा को मिली है ओनली 4.3 की, जो कि इसे थोड़ा कम है। खैर, ये दोनों ही काफी बढ़िया ऐप है, काफी प्रोफेशनल है, काफी इजी टू यूज है, और साथ ही दोनों के दोनों एकदम फ्री ऐप है, तो इसलिए अगर आप इन दोनों में से जो भी ऐप यूज करते हो तो आपके लिए अच्छा ही रहेगा। और नंबर 1 जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस, नंबर 1 पे जो ऐप आता है वो है अलाइट मोशन, जिसका नाम आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा। अलाइट मोशन वन ऑफ द बेस्ट ऐप है वीडियो एडिटिंग के लिए। इसके फीचर्स काफी ज्यादा कमाल के, क्वालिटी भी आपको 4K दे सकता है, और बाकी बात करें तो इसमें इफेक्ट, इसकी एनिमेशन, हर एक चीज बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल है। अगर से आपको प्रोफेशनल एडिटिंग करनी है तो आप फिल्मोरा के साथ जा सकते हो, पर अगर से आपको बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल एकदम पीसी की तरह एडिटिंग करनी है तो आप अलाइट मोशन का यूज कर सकते हो। बस इसमें एक दिक्कत है, क्योंकि आपको ये पता है कि हर कोई चीज परफेक्ट नहीं होती, जो कि है इसमें आपको एडिटिंग करना बहुत ही ज्यादा हार्ड जा सकता है। अलाइट मोशन वैसे तो काफी बढ़िया ऐप है, काफी कमाल का ऐप है, पर इसकी एडिटिंग जो है वो बहुत ही ज्यादा हार्ड। पर अगर से आप फिर भी कोशिश करते हो इसमें एडिटिंग करने की, तो आप 2 या 3 महीने
मैं एडिटिंग करना सीख जाऊँ। पर अगर आप एक बार इसमें एडिटिंग करना सीख गए तो मेरी बात मानो, आपकी जो एडिटिंग होगी ना काफी ज्यादा प्रोफेशनल होगी और आप इन एप्लीकेशन से वीडियो तो एडिट कर लोगे, पर अगर आपका थंबनेल अच्छा नहीं है तो आप वीडियो पे क्लिक कौन करेंगे। इसलिए इस वाले वीडियो पे क्लिक करो और जान जाओ कि प्रोफेशनल थंबनेल कैसे बनाते हैं। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।